इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर से, जहां पर चुनावी साल में कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। सरकारी कर्मचारियों को सीएम बघेल की तरफ से तोहफा दिया गया है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% का इजाफा हुआ है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। इससे सरकार पर हर साल 1000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। कैबिनेट में 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सरकारी कर्मियों के पूर्ण पेंशन पात्रता अवधि 33 से घटकर 30 साल कर दी गई है। बिरनपुर घटना के मृतक साहू परिवार को सरकारी नौकरी की मंजूरी दी है। नगरीय निकायों में स्टैंप पंजीयन शुल्क में छूट मिलेगी और 18 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान मिलेगा। कल ये कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सबसे इम्पोर्टेंट, चुनावी साल में कर्मचारियों को ये बड़ी सौगात मिली है। कुल मिलाकर 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कर्मियों के पूर्ण पेंशन पात्रता की अवधि घटाकर 33 से 30 साल कर दी है। और आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 1000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। फैसले के बाद सीएम की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत महंगाई के इस दौर में। तो कल की कैबिनेट की बैठक अपने आप में बेहद खास थी। सरकारी कर्मचारियों के पूर्ण पेंशन पात्रता अवधि को घटा दिया गया है, 33 से 30 साल किया है। मंत्रिमंडल के बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो शासकीय कर्मचारियों का DA है, महंगाई भत्ता का, उसको उसमें 5% की वृद्धि की गई है। और शासकीय कर्मचारियों का जो पेंशन की पात्रता अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष और स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति उसकी जो अवधि है वो 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष की गई है। और अनुपूरक अनुमान 2023-24 का भी अनुमोदन किया गया है। बिरनपुर में घटना घटित हुई थी तो संबंधित परिवार को शासकीय नौकरी देने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, तो उसके बारे में निर्णय हुआ है कि वो नियुक्ति उनको आवेदन आने पर प्राप्त कर दिया जाए। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन हुआ है 2023 में। नगरीय निकाय क्षेत्रों में भूमि के व्यवस्थापन और रियायती स्थायी पट्टों के भूमि स्वामी अधिकार देने में जो स्टाम्प शुल्क लगता था, तो वो जो स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में